एक लड़की रोमा नाम की रहती थी। रोमा बहुत सुंदर थी। उसके कॉलेज के लड़के रोमा के लिए पागल थे। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, शुभ प्रभात माँ, मुझे किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। आपको पैसों की जरूरत क्यों है? हमारे कॉलेज में एक इवेंट है और उसके लिए मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने होंगे, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। ये पैसे ले लो, लेकिन कपड़े खरीदने के बाद बाकी का पैसा वापस करना मत भूलना। ठीक है माँ। यह कहकर रोमा पैसे लेकर चली गई और खुद के लिए कपड़े खरीदे और बाकी पैसों से उसने खुद के लिए कुछ मेकअप खरीदा। घर वापस आकर रोमा ने यह सब अपनी माँ को समझाया। माँ, मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसों से कुछ कपड़े और मेकअप का सामान खरीदा है। क्या पिछले महीने तुमने इतने सारे कपड़े और मेकअप खरीदे और अब फिर से कुछ और ले आए? अगर तुम ऐसा करते रहे तो एक दिन हम दिवालिया हो जाएंगे। चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा। क्या आपको पता है कि आपकी बेटी कितनी सुंदर है? सब उसके दीवाने हैं, सभी लड़के पागल हो जाते हैं। क्या बकवास है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बस ठंडा रहो माँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर रोमा कमरे से बाहर चली गई और उसकी माँ रूबी वहाँ रोमा के बारे में सोचती रही। तब रोमा के पिता सैमुअल कमरे में आए। क्या हुआ रूबी, लगता है तुम परेशान हो। मुझे नहीं पता कि इस लड़की से कैसे निपटूं, और वह बहुत अहंकारी हो गई है और उसे पैसे की कोई कद्र नहीं है। मेरे दोस्त का बेटा रिचर्ड बहुत पढ़ा लिखा है, वह बैंक मैनेजर है। उन्हें एक उपयुक्त जोड़ी की तलाश थी, तो हम उसकी शादी उसके साथ क्यों न तय कर दें, और वो निश्चित रूप से और अधिक परिपक्व और जिम्मेदार बनेगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सारी जिम्मेदारियों के साथ वह परिपक्व और जिम्मेदार बन जाएगी, और यह मैच भी परफेक्ट है। मैं कल उनसे बात करूँगा, इस बारे में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वह करो, कल मैं इस बारे में रोमा को बताऊंगा। चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। चलो। यह कहते हुए सैमुअल और रूबी सोने चले गए और अगले दिन रूबी ने रोमा को सब कुछ बता दिया और रोमा भी उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद लड़का रिचर्ड अपनी माँ शैली और पिता केविन के साथ रोमा से मिलने आया। कुछ बातचीत के बाद रोमा अपनी माँ रूबी के साथ वहाँ आई। रोमा इतनी सुंदर थी कि रिचर्ड तुरंत उसे पसंद कर लिया और फिर रिचर्ड के परिवार ने इस मैच के लिए हाँ कह दी। कुछ दिनों के बाद वे शादी कर लिए। चूंकि रोमा नई दुल्हन थी, इसलिए वह अपनी सास के साथ घरेलू कामकाज में मदद नहीं करती थी। एक दिन उसकी सास ने कहा, रोमा हम सबके लिए चाय बना दो, आज हम तुम्हारे हाथ की बनी विशेष चाय पियेंगे। माँ, क्या तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती? शी, अब तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तुम क्या कह रहे हो? आपको धीरे धीरे सीखना शुरू करना होगा, आपको घर के सारे काम करने पड़ेंगे। नहीं माँ, मैं अभी शादी कर चुकी हूँ, मैं ये सारे काम नहीं कर सकती, और फिलहाल मेरे दोस्तों के साथ प्लान्स हैं। आज कुछ मेहमान आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको आज यहीं रहना होगा। माँ, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है और मैं यह वादा नहीं तोड़ सकती। काना। इसके बाद रोमा अपने कमरे में चली जाती है। वह तुम्हें समझती है। वह तैयार होती है और एक छोटी ड्रेस पहनकर लौटती है, जबकि उसके ससुराल वाले हॉल में बैठे थे। तुम क्या पहन रही हो बहू, तुम्हें शर्म है या नहीं? मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ और मैं हमेशा वापस आता हूँ। ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या? अगर साड़ी नहीं तो कम से कम सलवार सूट तो पहन सकती हो, है ना? मैं हमेशा से ये कपड़े पहनता आया हूँ। कपड़ों के प्रकार। शैली, मेरे लिए कुछ चाय ले आओ, या तुम इस बारे में बहस करती रहोगी? हाँ, मैं आपकी चाय ला रही हूँ, और रोमा जल्दी घर आ जाओ, ठीक है? हाय भगवान, मेरी माँ मुझे हर चीज से रोकती रहती है, पर छोड़ो, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ये लो तुम्हारी चाय। और रोमा से, आपने उस ड्रेस के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? बेशर्मी की भी कोई हद होनी चाहिए। रहने दो शैली, वह समय के साथ सभी तौर तरीके और सलीके सीख जाएगी।